हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केस बाइक। और आज हमारे पास है होंडा ड्रीम योगा। तो इसमें एक तो वाइट स्मोक दे रहा है और दूसरी ये प्रॉब्लम है कि इसमें जब ये चलती है ना, तो जैसे एक किलोमीटर या आधा किलोमीटर चलने के बाद जैसे ही गर्म होगी ना बाइक, क्योंकि आपको पता है जो भी साधन चले हो गर्म तो होगा ही होगा, गर्म होने के बाद में ये ऐसे दब जाती है जैसे किसी ने पीछे से ब्रेक दबा दिए हों वगैरह वगैरह। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कभी कोई टाइम में हीट हो गई थी, हीट होने की वजह से जैसे पिस्टन पे दाग आ जाते हैं ना, तो उस वजह से कभी कभी हल्का आता है ना निशान, या कभी निशान नहीं आता और हीट हो जाता है, पिस्टन हीट मार जाता है, तो उसकी वजह से फिर बाइक दबने लगती है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ये दबने लग गई और वाइट स्मोक दे रही है। तो हम इसका काम करेंगे और इसको बिल्कुल रेडी करेंगे। तो अभी मैंने इसका साइलेंसर वगैरह तो खोल लिया है, ये देखो अलग रख दिया है, इस पर नहीं लगा है। तो एक बार आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। साउंड वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, साउंड वगैरह सही है बिल्कुल। देखा आपने कैसे स्मोक दिखा रही है और हीट हो गई थी ये कोई कभी चलते वक्त। अगर चलाने में नहीं ध्यान देंगे या सर्विस टाइम पे नहीं होगी तो ऑयल वगैरह कम हो जाता है ना कभी कभी, तो हीट हो जाती है, उसकी वजह से ये क्या है कि दब जाती है चलते चलते, मौसम तोड़ जाती है। मिशिंग वगैरह नहीं मार रही है, ऐसे दब जाती है जैसे ब्रेक मार लिए, जैसे थर्ड गियर में आ जाती है, भागती नहीं है ना, वैसे हो गई इसकी। तो इसके अंदर रिंग पिस्टन का काम होगा और टाइमिंग वगैरह भी चेक करेंगे हम अच्छे से। चलिए मैं खोलता हूँ इसको, फिर दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम निकली है। वीडियो एंड तक देखना, कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों खोलना पड़ा हमें हाफ इंजन, और क्रैंक की कंडीशन ठीक है, हाफ इंजन में काम हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ये खोल लिया मैंने हेड, और इसमें ये देखो बड़े वाला वाल, इसमें ये जो कॉलर होती है ना ये ना के बराबर बची है, और ये छोटे वाला वाल, देख सकते हैं आप ये पूरा जलकर कैसा हो गया, कुछ तो ऑयल खाने की वजह से हो गया और कुछ मिस फायर मार रहा था। ये देखो ये यहाँ पे शायद कैमरे में आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, वाल चेंज होंगे, इसकी गाइडें चेंज होगी, और ये पिस्टन बोरिंग के लिए, ये शायद दिखे ना दिखे आपको मोबाइल में, थोड़ा क्या कैमरे की वजह से दिखता नहीं, कैमरे में पूरा क्लियर हर चीज़। इसमें भी जीरी आ रही है और पिस्टन गर्म हो गया था, ये तो मैंने क्लीन किया इसको इस मोटर से, ये मोटर अपने जिससे पानी उठाते हैं वो मोटर है आधा एचपी की, तो इस पर ब्रश वगैरह ले आके मैंने लगाया बनाया इसको, तो इससे मैंने साफ़ किया इसको। ये देखो ये पिस्टन इसका ऐसे निकला है, यहाँ से थोड़ा हीट हो गया था तो मैंने इसको क्लीन किया, अभी हाथ लगने की वजह से ऐसे हो गया। इसको चलो बोर करवाते हैं, टाइमिंग वगैरह देखते हैं, टाइमिंग वगैरह सही थी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हेड भी फिटिंग कर दिया मैंने, सिलेंडर किट फिटिंग कर दी, हेड फिटिंग कर दिया, दोनों चीज़ नए डल गई, रिंग पिस्टन और हेड के वाल वगैरह, गाइड वगैरह, वाल सीट वगैरह सब नया हो गया सारा। अब इसके वॉशर वगैरह लगा के बोल्ट लगाते हैं, इसको टाइट करके ऑयल वगैरह, ऑयल निकला 150-200 ग्राम, इसको स्टार्ट करते हैं फिर दिखाता हूँ आपको। Thank you.
अभी बंद कर दिया एक बार, कोई स्मोक वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, पहले जो वाइट स्मोक आ रहा था। तो अभी इसका साइलेंसर लगा देते हैं, इसीलिए नहीं लगाया कि चेक करना था मेरे को, तो साइलेंसर लगा के फिर स्टार्ट करते हैं इसको। दोस्तों बाइक रेडी कर दी मैंने बिल्कुल कंप्लीट, टंकी वगैरह लगा के स्टार्ट कर दिया, साइलेंसर वगैरह सारा लगा दिया, बाइक हो गई एकदम स्मूथ और स्मोक वगैरह सब बंद हो चुके हैं। अच्छे से टेस्ट कर लिया मैंने इसको। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर।